गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल देखो, कुछ बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की होगी तो डाइपोल को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। डाइपोल बेसिकली क्या होता है, डाइपोल यानी जिसके दो पोल हों, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम सुटेबल डिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2a लिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है एट एनी पॉइंट पोटेंशियल। एनी पॉइंट क्या चीज होती है, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, जो कि हमारे एक्सिस पे होता है, यानी दो पॉइंट चार्जेस को अगर हम सेंटर टू सेंटर मिलाते हैं उस लाइन पे कहीं पर भी जो पॉइंट, उसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। और एक लाइन जो परपेंडिकुलर होती है, जो सेंटर से पास करती है डाइपोल पे, अगर उस पर कोई भी पॉइंट ले लें तो वो हमारा क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को छोड़ के कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनी पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने P पॉइंट, हमारे यहाँ डायग्राम में देखिए, हमने यहाँ पर क्या है, ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट क्या ले लिया मैंने, एनी पॉइंट। इस एनी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पोटेंशियल V निकालना है बेटा। क्लियर, यहाँ तक क्या निकालना है, V निकालना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो OP है, क्योंकि P पॉइंट आप ले रहे हैं तो इट मीन्स आपको ही पता ना डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने मान लिया कि OP जो है, OP इज इक्वल टू R है आपका। क्लियर, OP कितना है आपका बेटा, ये कितना है आपका, R है। एंड हमने फिर क्या किया, इस P पॉइंट को A पॉइंट से मीट किया, इस P पॉइंट को हमने किससे मीट किया, B से मीट किया। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है निकालना है P पे, वो किसके कारण आएगा, एक तो इस पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से आएगा, एक इस P पॉइंट पे इस प्लस क्यू की वजह से आएगा। तो इट मीन्स वी आर हैविंग टू पोटेंशियल्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर कैलकुलेट V1 प्लस V2, इज इट। अब हमने क्या लिया, V1 जो हमारा है माइनस Q1 की वजह से है, और पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा कितना आएगा, माइनस Q डिवाइड बाय 4πε0 R1। R1 क्या है, डिस्टेंस है। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या लिया, Q बाय 4πε0 R2। क्लियर, यहां से हमने क्या किया, Q बाय 4πε0 कॉमन निकाला, तो हमारा 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने लिया Q बाय 4πε0, यहां पर कितना आएगा, R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 R2, LCM आ गया आपका। अब आप ये सोचिए कि अगर हम डायग्राम को देखें, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं आपको डायग्राम थोड़ा बोर्ड पे समझाने की, आप तब तक इसको नोट डाउन करेंगे बेटा। कर लिया बेटा नोट डाउन सभी ने, अब ये डायग्राम देखिए बेटा एक बार। ये P पॉइंट है आपका, इस P पॉइंट पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, और ये P पॉइंट है। इस Q से, क्योंकि ये हमारा कितना है R2 है, ये हमारा कितना है R1 है, यहां से मैंने क्या किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस R1 पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, ये वाला डिस्टेंस, ये होगा हमारा R1 माइनस R2। अब ये R1 माइनस R2 हम किससे निकालेंगे, इस ट्रेंगल से निकालेंगे बेटा, किससे निकालेंगे, इस ट्रेंगल से निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, R1 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस। तो ये बेस बाय हाइपोटन्यूज दैट इज कोस थीटा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात जो अजम्पशन हमने ली है कि जो हमारा ये डाइपोल है, आप ये सोचिए कि ये जो डाइपोल है यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर एंड हो रहा है इसका, क्योंकि माइनस यहां, यहां प्लस क्यू, अगर इसको छोटा कर दें, इसको छोटा करते चले जाएं, तो ये जो हमारा R1 डिस्टेंस, आप देखिए यहां से यहां तक है, लेकिन अगर छोटा कर दो तो कहां आएगा, यहां आएगा, फिर थोड़ा और लेके हूँ वो इधर आएगा, ऐसे ही घटता चला जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आपको एज्यूम लगेगी, क्योंकि डाइपोल छोटा है, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। आप एज्यूम करके देखिए ना कि ये R1 इस साइड पे है, R2, जैसे डाइपोल छोटा होता जा रहा है, तो ये क्लोज आ जाएंगे, तो हम कहेंगे R1 इज इक्वल टू R2।
ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो यहां पर हमने अज्यूम्पशन क्या लिया है, ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर लिया ए एन, ए एन हमें निकालना है, दैट इज दिस वन, ए आपका परपेंडिकुलर है एन, यहां पर ए एन यानी बी एन परपेंडिकुलर है आर वन पे, तो ए वन किसके बराबर, ए एन किसके बराबर आया, आर वन माइनस आर टू, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला एज द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, तो आर वन नियरली इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया कि तीनों जो हमारी भुजाएं हैं इस ट्रेंगल की, दिस वन एंड दिस वन, ये ऐसा शो करेंगे जैसे हमारा सेम हो, ठीक है। तो ए एन हमने जो निकाला यहाँ पर कितना आया बेटा, टू ए कोस ऑफ थीटा, क्लियर। तो और ऑलरेडी हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट, डेट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू गुना में टू ए, क्लियर बेटा। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू गुना में आर वन माइनस आर टू की वैल्यू हमने किससे निकाली, ट्रेंगल से, क्लियर। टू ए कोस थीटा डिवाइड बाई कितना आएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आर वन भी आर के बराबर माना है और आर टू भी आर के बराबर माना है। अब हमारा जो फार्मूला आया यहां पर वी का कितना आया, वी इज इक्वल टू पी कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। बड़ा आसान सा है बेटा, आराम आराम से करेंगे तो चैप्टर भी हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि समझ नहीं आता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशंस ले रहे हैं उनको लगता है ट्यूशंस पे समझ में आ रहा है, बेटा समझ में आना चाहिए, कहीं मर्जी से आपको समझ में आए, मेन मोटो आपका समझ में आने का है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने लिया इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा जीरो है तो कोसाइन जीरो कितना होता है बेटा, याद है सभी को, जीरो वन के बराबर होता है, कोसाइन जीरो किसके बराबर होता है, वन के। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, पी डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद हमने लिया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोस 180 कितना होता है बेटा, माइनस वन, तो हमारा कितना आएगा, वी इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि हमारी क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। अगर कोस 90 हो, यानी हमारा जो ये पी पॉइंट है ये कहां पर आ जाए, इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाए, समझ रहे हो, ये देखिए पी पॉइंट हमारा कहां पर आ जाए, इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पर आ जाए, तो हम ये बोलेंगे कि वहां पर हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर होगी, नोट डाउन कर लें बेटा इसको फटाफट से, कि कोस थीटा अगर 90 होता है थीटा, तो हमारा पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। इट मींस इन सच अ केस वी आर हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू एंड जीरो वैल्यू, क्लियर। ये आपका आर्टिकल था बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब आता है आपका सेकंड आर्टिकल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब मान लीजिए जैसे हम निकालना चाहते हैं कि एक बच्चा है, उसको हमने रस्सी से बांध रखा है, चारों तरफ उसके बच्चे हैं, और वो रस्सी से, जो रस्सी के सिरे हर बच्चा अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब उस पर्सन पे है सभी की फोर्सेज लग रही हैं, सभी अपनी ताकत लगा रहे हैं, इट मीन्स पोटेंशियल, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर भी वही सिस्टम है कि हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर एन पॉइंट चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस कौन कौन से बेटा, क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू एन, क्लियर यहां तक, लाइज एट अ डिस्टेंस, कहीं ना कहीं होंगे बेटा, कोई अलग अलग डिस्टेंसेस पे होंगे, तो हमने ले लिया आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एन रिस्पेक्टिवली, क्लियर। रिस्पेक्टिवली वर्ड बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि सभी का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है कि क्यू वन की जो डिस्टेंस है वो आर टू ले लेंगे आप, इसीलिए रिस्पेक्टिवली यूज किया। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट पी, तो अगर हम ध्यान से देखें, हम सभी चार्जेस को भूल जाएं, सिर्फ क्यू वन को याद रखें, तो हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, वी वन आएगा, जो कि किसके बराबर होता है, फार्मूला पता है आपको, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, तो यहाँ पर आर की जगह पे आर वन है और क्यू की वजह पे कितना है, क्यू वन है। ऐसे ही वी टू है आपका, वी टू हमारे पास कितना है, क्यू टू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू, ठीक है। ऐसे ही हमारा वी थ्री अप टू वी एन आएगा। अब सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या मिल जाएगा बेटा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल ऑफ दी चार्जेस। तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अप टू वी एन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या कर लिया बेटा, यहां से हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यू वन, ध्यान से देखिए क्यू वन डिवाइड बाई आर वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई आर टू अप टू सोन, और ये कहां तक पहुंच जाएगा, क्यू वन डिवाइड बाई आर वन। समीशन प्रॉपर्टी आप सभी को याद है, आई की वैल्यू हमने ले ली आई इज इक्वल टू वन टू एन, और कितना आएगा क्यू आई बाई आर आई,
तो दिस इज द बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेज एज शोन इन योर डायग्राम. यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस डायग्राम. प्लीज डू इट केयरफुली. बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बेटा, ध्यान से कीजिएगा इसको. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.